से पहुंचना है, 4 बजे तक पहुंचना होता है, 4:15 से शुरू हो जाता है सर्दियों में, और गर्मियों में होता है 5 बजे से। चलो जैसे भी रहेगा दिखाएंगे, अगर पाकिस्तान गए तो वो भी दिखाएंगे। ओके जी, एक और नई सुबह और एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। एक और नई वीडियो की शुरुआत हो गई है और अगेन वही सेम रूटीन कि भाई सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने और अगेन सारा माहौल है यहाँ पे, पूरा सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। अभी टाइमिंग हो गई एक्चुअली 10:30 बजे का टाइम होता है लास्ट, और मैं 10 बजे आना इस वीजल, कल भी लेट था। और आज की प्लानिंग यही है, थोड़ी देर बाद ब्रेकफास्ट करते फिर बता दूँगा प्लानिंग। ओके जी, टाइम हो गया 2 बज रहे हैं, 2:30 बज गए एक्चुअली, और अब जा रहा हूँ बाघा बॉर्डर। आज प्लान हो गया रुकने का कि मैंने कहा बाघा बॉर्डर कर लेता हूँ आज, नहीं तो फिर रह जाता यार, इतने दिन हो गए। मतलब जब भी आना हुआ, फिर पिछली बार भी नहीं हो पाया, मैंने कहा इस बार भी कहीं ऐसा ना हो जाए, तो इसलिए आज बाघा बॉर्डर। चलो निकल रहा हूँ फिर यहाँ से फटाफट, अभी आने लगेंगे 45 मिनट्स, मतलब 50 मिनट्स तो मान के चलो। ओके जी, फाइनली जद्दोजहद करके अमृतसर के ट्रैफिक से निकल गया। वो एक्चुअली रूट भी बंद कर रखे थे एक दो ना, तो इधर उधर घूमना पड़ा बहुत ज़्यादा। अभी फिलहाल मैं इस पे हूँ, क्योंकि कितनी खूबसूरत रोड है यार, बहुत ही खूबसूरत रोड है। अब यहाँ से 20-25 मिनट बचा है, 20 मिनट बचा है मात्र, तो पूरा आर्मी वालों का यहाँ पे आवाजाही रहती है ना, तो फिर बहुत बढ़िया रोड है भाई। बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं तो ऑब्वियसली रोड तो अच्छा ही होगा। यहाँ पे आपको आने के लिए बस वगैरह सब मिल जाएगी, बस मिल जाएगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सारे हैं यहाँ पे, आपको गोल्डन टेम्पल से ही मिल जाएगा, टैक्सी वगैरह सब मिल जाएंगे। पर पार्किंग वगैरह कर लेना समझदारी से जाना, और अपना कन्वेंस है तो बहुत ही बढ़िया, वहाँ पार्किंग भी हो गई है ऐसा हमने सुना है, बट बाकी मैं जाके दिखाऊंगा आपको पार्किंग की क्या व्यवस्था है। और वहाँ से कह रहे पार्किंग सब पास है, पहले के किलोमीटर चलना पड़ता था, अब ऐसा है कि एकदम नियरेस्ट 200 मीटर पे है, तो देखते हैं जो भी होता है जैसा भी होता है। टाइम से पहुंचना है, 4 बजे तक पहुंचना होता है, 4:15 से शुरू हो जाता है सर्दियों में, और गर्मियों में होता है 5 बजे से। चलो जैसे भी रहेगा दिखाएंगे, अगर पाकिस्तान गए तो वो भी दिखाएंगे। नहीं नहीं मजाक कर रहा हूँ यार, उधर गए तो फिर आ भी नहीं सकते इधर। चलो इंडिया साइड से दिखाएंगे आपको, ठीक है। पीछे कोई प्राइवेट सी पार्किंग हमने यहाँ लगा दी है, और पीछे अभी रिक्शे रिक्शे वाले हैं सारे, ये लेके जाएंगे, अभी जा सकते हैं, आप देखते हैं अभी हमारा क्या एक्सपीरियंस रहता है, बाद में शेयर करूँगा, अभी थोड़ा सा बहुत जल्दी हो रही है अभी। तो यहाँ उसने उतारा इस नंबर पे, एक नंबर गेट पे, ये है सामने आपका शाही किला, वेलकम सी अटारी बॉर्डर, और वहाँ से हम एंट्री करनी है। अभी तो फिलहाल यहाँ पे रुके हुए हैं क्योंकि कन्वेंस मुझे तो बसेस वगैरह जा रही है, अगर क्रॉस कर जाएंगे उसके बाद हम आगे जाएंगे, और वहाँ से हमें करनी है एंट्री, वहाँ से चलो एंट्री करते हैं फिर मिलते हैं भाई। वह उधर जाना है, लाइन लगा के चेकिंग हो रही है, हम फिलहाल लगे हुए हैं लाइन में इसमें, और यहाँ से चेकिंग हो रही है भाई। लाइन बड़ी लंबी है यार, बड़ी लंबी लाइन है, और वहाँ तक जाना है, वहाँ पर चेकिंग हो रही है यार, वो रहा गेट अभी, अभी काफ़ी चल रहा है। माहौल बहुत अच्छा, देखो हमने टैटू ये बनवा लिया फ्लैग व्लैग, और सामने का नज़ारा दिखा रहा हूँ अभी, ये देखो जी सामने वो रहा जहाँ पर अभी जाना है। शोर तो मचना चालू हो गया है, घूसबम्स आ रहे हैं अभी से ही, और ये देखो भीड़ अभी भी आ रही है भाई, तगड़ी भीड़ है, 4:15 एकदम एग्जैक्ट 4:15। फाइनली स्टेयर से चढ़ रहे हैं, यहाँ से स्टेयर से जा रहे हैं हम स्टेडियम की तरफ। एक गेट तो यहाँ पे देखो, पर ये बन चुका है पूरा, अब इसके ऊपर जाना पड़ेगा। ओके जी, फाइनली 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 हम यहाँ से देख रहे हैं बैठ के, थोड़ा दूर है कोई बात नहीं, बट वहाँ पे हमें जाना चाहिए था, गलती करी थोड़ा लेट हो गए, बट कोई नहीं, यहाँ से भी नज़ारे अच्छे दिख रहे हैं और एक्साइटमेंट फुल है भाई। वो सामने पाकिस्तान बॉर्डर, इधर इंडिया बॉर्डर, मतलब उनका गेट और हमारा गेट है, और बहुत ही ज़्यादा घूस बम्स आ गए यार, अच्छा लग रहा है। और पूरा स्टेडियम खचाखच भरा पड़ा है, मैं आपको दिखा दूँ, ये देखो वाटर बॉटल हमने ले ली थी, बहुत काम आती है कभी कभी। जवान एक ही समय में अपने अपने राष्ट्रीय पक्ष को
सम्मान अदा कर दिया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। खड़े हो गए सारे, क्या बात है। आप सभी दर्शकों से मिल रहे हैं कि दर्शकों से भी बात करेंगे, जैसे भी अपने दोस्तों से साथ में परिवार प्रस्थान करेंगे, साथ ही अपने बच्चों को। ओके जी, तो समाप्त हो गई है परेड। देखो पीछे माहौल सारा, लोगों ने जाना चालू कर दिया अपने घर की तरफ, और अभी भी कुछ लोग बैठे हुए हैं जो समझदारी कर रहे हैं कि ताकि भीड़ से बच जाए। और ये अच्छी बात है कि भाई भीड़ से बचना चाहिए और ऐसे नहीं जाना चाहिए। अभी देखो काफ़ी लोग उठ चुके हैं और काफ़ी लोग अभी भी बैठे हुए हैं। मेरे पीछे देख रहे हो आप, ये लोग कुछ लोग फोटोज़ के लिए भी बैठे हुए, कुछ वैसे बैठे हुए। हम भी रुके हैं 5-7 मिनट, उनका 5 मिनट इंतजार कर रहे हैं। और अनाउंसमेंट बार बार हो रही है कि आप लोग जा सकते हो, आपका काम समाप्त हो गया। ये देखिए भाई क्राउड देख रहे हो, ये तो स्टेडियम के बाहर का। हम एग्जिट करके आ चुके हैं यहाँ से, इधर से हमने एग्जिट किया है। इधर देखो यहाँ से अभी सीढ़ियाँ उतर के जाना, बिल्कुल खाली हो गया। मतलब भरते वक्त तो ऐसा लग रहा था भाई क्या कितनी भीड़ है, देखो कितना क्राउड है। वो देखो वो देख रहे हो, वो देखो
और ये पूरा एरिया है। टच नहीं करना है, टच नहीं करना है। सो अभी नीचे उतरते ही स्टेडियम से BSF म्यूजियम था, 10 रुपए की मात्र टिकट थी, तो BSF म्यूजियम आ गए। बहुत सुंदर से यार ट्रेनिंग चलती है, जैसे वो दिखा हुआ है सारा, यहाँ पे देखो इस तरह से। Now it's time to take our exit. So, इस तरह से लाइट जल चुकी है सारी और कितना खूबसूरत लग रहा है। सामने से मेन गेट है यहाँ से और अभी भी लोग जा रहे हैं, भीड़ है काफ़ी ज़्यादा। स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं तो भीड़ अच्छी खासी है। और इधर से है एक्चुअली पब्लिक कन्वीनियंस, यहाँ भी ये भी ऑप्शन है। बाकी आगे खाने पीने के सारे स्टॉल लगे हुए हैं, तो अभी आराम आराम से निकल रहे हैं, तसल्ली से, कोई जल्दी नहीं। अभी 6 भी नहीं बजे है तो वापस आ गए हैं जी, 6:30 हो चुकी है। पार्किंग में आपको रेकमेंड करूँगा, पार्किंग अच्छी थी, पहली पार्किंग की थी, पहले ही दूसरी तीसरी चौथी, 4 पार्किंग प्राइवेट मिलेंगी। फिर एक जो मेन है वो बहुत अंदर जाके मल्टी लेवल, वहाँ तक पहुँचना ही मुश्किल है। 1 बजे तक या 2 बजे तक मैक्सिमम आ जाओ तो आपको सिटिंग बहुत अच्छी मिलेगी, ज़्यादा ऊपर नहीं बैठना पड़ेगा। तो फिर और आप देख, मतलब बहुत अच्छा फिर आप व्यू मिलेगा और आप देख सकते हो, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। चलो फिर यहाँ से निकल रहे हैं अमृतसर, और मात्र आधा घंटा या 40 मिनट लगेंगे, जो भी लगेंगे। बहुत बढ़िया था, मतलब एक्सपीरियंस बहुत अल्टीमेट था। तो मुझे टाइम हो गया 9 बजे और अभी फिलहाल लाइव म्यूजिक चल रहा है और रेस्टोरेंट में बैठे हुए डाइनिंग एरिया में, ऑर्डर देख लेते अभी क्या ऑर्डर करते हैं। वाली गाय अच्छा है, पुराने जमाने के खाने अच्छे गाय। इसको अभी बैठे हुए थे, ऑर्डर तो मैंने कर दिया है, 5 मिनट और 5 मिनट लोग खाएंगे स्टार्टिंग। ज़्यादा भूख भी नहीं है, अभी बहुत ज़्यादा एनर्जी हमारी लॉस नहीं है। और बाकी फिलहाल गाड़ी पाजी गाना जो गा रहे हैं ना, मैंने एक बार फरमाइश कर दी, मैंने कहा पाजी हया मेरे हम सफ़र सुनने का बड़ा मन कर रहा है, तो मैंने कहा पाजी आप कह दो, पाजी बड़े इंप्रेस हो गए, कह रहे हाँ जी ये गाना तो मेरे लिस्ट में था, प्ले लिस्ट में। चलो जी बहुत बढ़िया, खाते हैं इंजॉय करते हैं। तो आखिरी रात है अमृतसर में और कल सुबह हमें बैक टू पवेलियन, वही मिक्सिंग सही लगी। हमने गुलाबी आपको पहले रिक्वेस्ट करी, और जो एक और पाजी थे आप बैठे हुए थे, उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि थोड़ा डांस वाला गाना बनाना चाहिए, तो दोनों का मिक्स चला दिया पाजी ने, गुलाबी आँखें जो तेरी देखी, बहुत ही बढ़िया। ओके जी, तो ये अपना ऑर्डर आ गया है, मंचूरियन और नूडल्स अभी फिलहाल स्टार्ट से गया, और उसके और भूख लगी तो और मंगा ली। बाकी पाजी गाने बहुत अच्छे गाने, बार बार फरमाइश है, एक बात और भेजिए, देखते हैं पूरी करते नहीं करते। चलो फिर पल को एंजॉय करते हैं, कैमरे से करते हैं कम बात और आपसे करते हैं बाद में मुलाकात। ओके जी, वीडियो समाप्ति का समय आ गया है, दिन बहुत अच्छा गया आज का भी और सब कुछ ठीक ठाक रहा, बहुत ही बढ़िया। अटारी बॉर्डर, बाघा बॉर्डर, जो आप कैसे समझते हो अटारी बाघा बॉर्डर, वहाँ जरूर जाना यार एक बार। मेरा तो होल आज पूरे दिन का वीडियो तो मेन पर्पज़ तो वहीं था, बाकी अब साथ में अब आज अभी डिनर वगैरह कर लिया, डिनर क्या थोड़ा बहुत जो स्नैक्स वगैरह लिया वो लिया, उसी से पेट भर गया, क्योंकि सुबह 7 बजे फिर निकलने का प्लान है, तो ब्रेकफास्ट वगैरह करके ही निकलेंगे ऑब्वियसली। उन्होंने बोला कि सर आप ब्रेकफास्ट करके बिना जा नहीं सकते, ब्रेकफास्ट आपको करना ही पड़ेगा। हमने कहा ठीक है जी कर लेंगे, तो क्योंकि क्या था ना, मैंने बोला था 5 बजे निकल जाऊँगा, अगर सर आप 1-1.5 घंटा रुक जाओ, मैं ब्रेकफास्ट रेडी करवा दूँगा आपके लिए और उसके बाद आप निकल जाना। तो मैंने कहा ठीक है फिर जैसा भी होगा पैक करवाएंगे खाएंगे देखते सुबह, तो अगला वीडियो फिर उस पर होगा जैसा भी होगा, जहाँ से अमृतसर से दिल्ली की जर्नी हमारी। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करके जाना और कमेंट में मेरे थॉट्स बताना, और मिलते हैं किसी और वीडियो में सिर्फ और उमंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।